तो फाइनली हमारे जॉनी गर्गानो मेन रोस्टर में रिटर्न कर चुके हैं। इसके बारे में मैं आगे पूरा डिटेल में बात करूंगा। आज बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के हाइलाइट के बारे में कि मंडे नाइट रॉ क्या रहा, एडिशन कैसा रहा। सबसे पहले शो का स्टार्ट करते हैं हमारे सेथ रॉलिंस मंडे नाइट मशाया, और उसके बाद वो एक ब्रॉल टाइप का करते हैं हमारे रिडल के साथ। रिडल के साथ उनका मैच भी होने वाला है क्लैश एट द कैसल के लिए, और इन दोनों का एक ब्रॉल देखने को मिलता है। WWE ने एडवर्टाइज़ किया कि अगले हफ्ते इन लोगों का फेसअप भी होने वाला है, और उसके बाद टी स्टेटस रिटर्न करती हैं और वो एक फैक्शन के साथ आती हैं जो कि बेली उनको कन्फ्रंट करती हैं। कन्फ्रंट करने के बाद वो बात करती हैं कि तू रिटर्न किया है, तूने रिटर्न करे कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अभी मेरा टाइम चल रहा है। और दोनों के बीच एक बहुत ज़्यादा प्रोमो वॉर होता है, एक अच्छा सेगमेंट देखने को मिला। और हमारे आस्का और एलेक्सा ब्लेक्स टैग टीम मैच में भी है जो कि फेटल फोर में मैच होने वाला है क्लैश एट द कैसल के, उसका मैच का एडवर्टाइज भी हुआ। बड़ा मैच था, अच्छा खासा मूव्स भी देखने को मिले हमारे वुमेंस की ओर से, आप लोग देख सकते हैं अच्छे खासे मूव्स पियर भी था। और बात करते हैं हमारे रिटर्न करते हैं, हमारे रिटर्न करने के बाद देखते हैं फिन बैलर भी रिटर्न करते हैं। फिन बैलर अटैक करते हैं डॉल्फ जिगलर पर, डॉल्फ जिगलर से मैच होता है उनका, और मैच में काफ़ी आसानी से डॉल्फ जिगलर इस चीज़ को मेंटेन करते हैं, लेकिन हमारे द जजमेंट के प्रिंस यानी फिन बैलर उन्हें आसानी से हरा देते हैं, एक विक्ट्री लेते हैं और स्टैंड टॉल करते हैं। फिर उसके बाद देखने को मिलता है शॉर्टी जी आते हैं अपने टैग टीम पार्टनर के साथ। KO आता है केविन ओन्स द प्राइस फाइटर, उनका भी एक मैच था रॉ में, और वो एक मैच देते हैं, पावर बॉम्ब देते हैं, फ्रॉक फ्लैश देते हैं, उसके बाद रिपीट में वो भी फ्रॉक फ्लैश देते हैं। और उसके बाद इन दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा मैच था और उनका सुप्लेक्स भी देते हैं, बहुत अच्छा एक ब्रूटलाइज मैच था, एक बढ़िया मैच देखने को मिला। उसके बाद देखने वाले बेली फिर रिटर्न करती हैं, बेली रिटर्न के बाद उनका मैच था, और मैच में बेली भी अच्छा परफॉर्म करती हैं इस मैच में और फाइनली जीत जाती हैं। और हम देखने को मिलता है तो मैसर चंपा और बॉबी लैशली का टैग टीम मैच देखने मिलता था, मीच और एज स्टाइल बॉबी लैशली तो मैसर चंपा टैग टीम पार्टनर में दिखे थे, और मैच काफ़ी अच्छा मैच था। फाइनली बॉबी लैशली ने स्पीयर दे करके जीत लिया इस मैच को। और हमारे फाइनल रिटर्न करते हैं जॉनी गर्गानो जो कि आते हैं बताते हैं कि WWE के साथ उनका अनफिनिश बिजनेस है, और भाई आते हैं हमारे वही सुपर खिक्का खा के चले जाते हैं हमारे मनी इन द बैंक विनर। और उसके बाद फिर देखने को मिलता है शो के मेन इवेंट में, अब यानी कि एज का एक मैच था मेन इवेंट में जो कि बहुत बड़ा मैच था, एक पेपर लेवल का मैच हुआ। एज बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं हमारे डेमियन प्रिस्ट के अगेंस्ट, इन लोगों का पिछले हफ्ते भी एडवर्टाइज हुआ था मैच, और काफ़ी 25-30 मिनट का मैच था, मैंने खुद सुबह में देखा था, ये मैच काफ़ी अच्छा था और ये एक ब्रूटलाइज मैच था। इस मैच को एक पेपर व्यू इवेंट मेन इवेंट टाइप का मैच था ये, और बढ़िया मैच देखने को मिला WWE की ओर से। और एज को बहुत दिक्कत हुआ इस मैच में लड़ने से, बहुत दिनों बाद एज बढ़िया परफॉर्म किए हैं, आप लोग देख सकते हैं फुटेज में। और एज ने फाइनली एक स्पीयर दे करके लास्ट में इस मैच को 1-2-3 काउंट से जीत लिया। और उसके बाद द जजमेंट टीम अटैक करते हैं, लो ब्लो देती है, फिर कैसे उनको सेव करने आते हैं उनकी वाइफ, और सेव करके उनको बचा लेती हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए, तब तक